HClO3 में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन KClO3 एज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटाशियम इज +1 एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन -2। तो हमें पता है रूल्स के मुताबिक कि किसी भी कंपाउंड के तमाम एटमों के ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम होता है मजमुआ किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। लिहाजा फार्मूले के मुताबिक ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटाशियम प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो जब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो पोटाशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन आपने कैलकुलेट करनी है +3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, -2। तो यहाँ पे 3 जो है, 3 KClO3 में ऑक्सीजन के एटमों की तादाद को शो कर रहा है, तो ये बराबर किसके हो गया, ये 0 के। तो यहाँ पे देखिए पोटाशियम के +1 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन वो कितनी है, -6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। जब आप 3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जवाब कितना आता है, -6। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन कितनी निकलेगी, ये माइनस का 6 जो है इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव के 6 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह ये +1 इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, ये -1। तो जवाब कितना आ जाएगा, ये +5। तो हम ये कह सकते हैं KClO3 में Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +5 है। तो ये देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल में तमाम ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के। पोटाशियम के +1, क्लोरीन के +5, ये कितना होगा, ये +6। इस तरह ऑक्सीजन के 3 एटमों की -6, +6 और -6, जो आप कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा।